बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने मोबाइल पॉइंट की चोरी का खुलासा करते हुए पड़ोस मोबाइल दुकानदार सहित मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो लोगों को गिरफ्तार कर चोरों की निशानदेही पर 25 मोबाइल, 9000 नकद और 130 मोबाइल कवर, 28 मोबाइल लीड, दो वैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। चोरी का तत्काल खुलासा होने पर स्थानीय मोबाइल दुकानदारों ने प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार की प्रशंसा की है। वहीं SP ने प्रभारी निरीक्षक की टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। दो शातिर नकबजन को चोर को पकड़ा है। इन्होंने 24-25 की रात्रि में एक मोबाइल फ़ोन की A to Z मोबाइल फ़ोन की दुकान से शटर काट करके 25-30 मोबाइल फ़ोन चोरी किया था। मोबाइल के कवर, लीड, अन्य सामान चोरी किया था। समस्त मोबाइल फ़ोन एवं सामग्री बरामद हो चुका है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि लगभग एक महीना पहले इन्होंने एक और चोरी किया। गाजीपुर में हाल ही में BJP में शामिल हुए पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने बयान दिया है कि प्रदेश और देश भर में BJP सरकार ने विकास को नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के विकास को लेकर देखा गया है। उनका सपना PM मोदी, CM योगी आदित्यनाथ और पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पूरा किया। पूर्व मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP सरकार राष्ट्र की रक्षा के काम में जुटी हुई है। तो पूर्व मंत्री विजय मिश्रा का एक बयान सामने आया है, विकास की BJP सरकार ने नया आयाम दिया है, ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री विजय मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश और देश भर में BJP सरकार ने विकास को नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के विकास को लेकर देखा गया है। उनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ और पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पूरा किया है। पूर्व मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि BJP सरकार राष्ट्र की रक्षा के काम में जुटी हुई है। इस समय देश में एक मजबूत सरकार काफी सालों बाद, इस मजबूत सरकार के खिलाफ विदेशी शक्तियां लगातार षड्यंत्र और साजिश कर रही हैं। राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के सवाल पे विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी का साथ, राष्ट्र के नाम पे देश हित में भी विपक्षी ताकतों के साथ आप देख रहे हैं, चाहे चाइना का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, और यहाँ तक कि समय समय पे सेना के भी मनोबल को तोड़ने का काम विपक्ष कर रही है। गोंडा में BSP के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद मिश्रा मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने पहुंचे, जहां पर मनकापुर विधानसभा और गोंडा प्रधान के प्रत्याशियों की घोषणा की। तो वहीं मंच से बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी का बखान करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अजय तेनी जी, जिनका के नाम और उनके लड़के का नाम सुप्रीम कोर्ट के SIT की रिपोर्ट में आ गया है और उसमें आया कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को दबा के मार दिया है, और बौखलाहट में जब इनसे प्रश्न किया गया तो मीडिया की कॉलर पकड़ी, उनको चोर उचक्का कह के गाली बकी। तो अगर ऐसे लोगों को लेकर के ये आज बैठक कर रहे हैं तो इसके मतलब कि इन्होंने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। कारोबारी पीयूष जैन के घर पर GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय टीम की छापेमारी में बरामद रुपयों में 17 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी है। घर से 23 किलोग्राम सोने की ईंटें और 6 करोड़ की कीमत का 600 किलोग्राम चंदन तेल भी बरामद हुआ है। SBI की 7 सदस्यीय टीम 4 मशीनें लगाकर रुपयों की गिनती कर रही है। वहीं DGI के अधिकारियों ने प्रेस नोट रिलीज कर इसकी जानकारी दी है। चार पांच दिन से हमारे क्लाइंट को अनावश्यक डिटेन किए हुए हैं और उसको प्रेशर बनाकर आपने स्टेटमेंट दर्ज करा लिए, दबिश डाल दी। जो पैसा है उसके संबंध में जब लीगल प्रोसेस आएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। अब नहीं देखिए, अभी उसका कोई
अभी ये उनका आरोप है, हम उस आरोप को अपना डिफेंस देंगे जब केस चलेगा, अभी हम नहीं कह सकते इस बात को। रिमांड में कोर्ट ने ये कहा है कि अभी इनको रिमांड दिया जा रहा है और अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जैसे कि 2 तारीख को कोर्ट खुलेगी, 1 तारीख को हम लोग बेल पर जाएंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सपा नेता बताए जाने पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह भड़क गए और कारोबारी पीयूष जैन को बताया कि बीजेपी का नेता और कहा कि छापे में मिला कालाधन बीजेपी नेताओं का है। कहा है कि पीयूष जैन का गुजरात से लिंक है, वहीं छापेमारी में बरामद हुआ पैसा बीजेपी का है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि अगर कालेधन का कारोबारी सपा का हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो नवाब सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, पीयूष जैन के गुजरात से लिंक है वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई भी हमसे लिंक हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लोग 50,000 के लिए तरस रहे थे तो इन्हें कैसे 2 महीने में मिल गया, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह पैसा 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की काली कमाई है, और या फिर इनके व्यापारियों के जो काले कारनामे हैं उनका पैसा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को छिपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी शर्म करिए, आप अपने को छिपाने के लिए दूसरे पे कीचड़ उछाल लें, आपको पता नहीं 2016 में नोटबंदी हो गई, नोट सारे बंद हो गए। कन्नौज में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित डंपर में 5 साल के मासूम को कुचल दिया, जिसके चलते मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। कन्नौज में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, अनियंत्रित डंपर ने मासूम को रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही मासूम की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, वहीं ड्राइवर की तलाश की जा रही है। तो कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर एक डंपर ने 5 साल की मासूम को रौंद दिया। कानपुर देहात में राजपुर थाना क्षेत्र ने अपने कार्यालय में एक सिपाही का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में क्षेत्र का टॉप 10 हिस्ट्री टीचर भी शामिल हुआ। अपने थानाध्यक्ष और सिपाही समेत कई लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। ये फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे की शादी में चौबेपुर थाने का दारोगा के शर्मा शामिल हुआ था। ये फोटो घटना के बाद वायरल हुआ तो DGP स्तर से पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि अपराधी से मित्रवत व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पुलिस का भय रहेगा, ऐसा माहौल कायम रखें। कानपुर देहात की तस्वीरें, हिस्ट्री शीटर के साथ सिपाही का जन्मदिन मनाया गया है। राजपुर थाना अध्यक्ष कपिल दुबे ने जन्मदिवस मनाया। तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं और इसको लेकर कानपुर देहात में चर्चाएं भी तेजी के साथ हो रही हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि थाना राजपुर में एक आरक्षी का जन्मदिन था। जन्मदिन के दौरान जो वहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें एक हिस्ट्री शीटर भी उसमें शामिल हुआ, जिसका फोटो समाचार पत्रों में छपा है, जिसके आधार पर जांच का आदेश कर दिया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी सिकंदरा द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएंगे उसके आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कुशीनगर पहुंची, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी भी कुशीनगर पहुंचे, उनके साथ सांसद वीरेंद्र सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। कुशीनगर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा कुशीनगर पहुंची, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि बीजेपी की जनविश्वास यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है, जहां पर तमाम समर्थक जो हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी हो रही है। तो कुशीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा पहुंची है, जिसके स्वागत में बीजेपी के तमाम समर्थक यहां पर मौजूद नजर आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, और इसके जरिए बीजेपी हर एक व्यक्ति तक संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।
लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। दरअसल जिले के ईसा नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। युवक ने शिकायत की है कि बसडीहा चौराहे पर सुशील के मकान में बाहर से आकर रह रहे ईसाई मिशनरी के लोगों की तरफ से बसडीहा गांव सहित आसपास के कुछ भोली भाली औरतों को बहला फुसलाकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता युवक का आरोप है कि उसकी मां को भी बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला जहां पर एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, हमारे गाँव में कुछ बाहरी ईसाई चंद्री लोग आए हुए हैं जो हमारे गाँव की महिलाओं को जो अनपढ़ और थोड़ा सीधी साधी हैं उनको यहाँ से ले जा कर के अपना चौराहे पे एक स्थान बनाए हुए हैं वहाँ पर ले जा कर के उनको वहाँ बिठाते हैं और धर्मांतरण के लेकर के जो है उनको प्रेरित कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए उनको धीरे धीरे वो प्रेरित कर रहे हैं। तो उसमें मेरी माता जी भी थी तो मैंने उनसे कहा तो उस जो गिरोह के लोग हैं तो वो मुझे जो है मारने का प्रयास किया उन्होंने। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 43 साल के हो चुके हैं और इसी दौरान युवा प्रोत्साहन समारोह के अंतर्गत जानी के पुनिया फार्म हाउस में उनका जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे युवाओं को फ्री ट्रैक सूट का वितरण किया गया है। चौधरी जयंत सिंह के 43वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश मीडिया संयोजक सुनील रोहटा द्वारा आयोजित युवा प्रोत्साहन समारोह में भारी संख्या में युवा पहुंचे। कार्यकर्ता ने कार्यक्रम में पहुंचे अजय हुडा के साथ 40 किलो का केक काटकर एलडी नेता की लंबी उम्र की कामना की है। इस दौरान सुनील रोहटा ने कहा है कि एलडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी जयंत सिंह का ये पहला जन्मदिन था। उन्होंने कार्यक्रम में आए युवाओं से गठबंधन को भारी मतों से जिताने की भी अपील की है। पाँच हज़ार रजिस्ट्रेशन पे ऐप ब्लॉक कर दिया था जी। उसके बाद हमने 35-40 मिनट के लिए दोबारा काउंटर खोलने गए, ऐप डाउनलोड किया गया। मुझे लगता है कि लगभग 6000 नहीं बटे होंगे तो 5800 बट गए हों, लेकिन ट्रैक सूट सब खत्म हो गया। अब जो जितनी जिसको टोकन देते सभी को दे दिया गया जी। बिना टोकन वाली भीड़ लगी हुई है जो रजिस्ट्रेशन से बाद में आए हैं 1 बजे के बाद में वो भी चली जाएगी, लेकिन करीब 5800 ट्रैक सूट आज युवाओं को सिवाल खास विधानसभा के जितने युवा आए थे 18-28 साल वाले सबको दिए गए हैं। आदित्यनाथ ने लहरपुर तहसील क्षेत्र में सूरजकुंड मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 83 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें आवास विकास परिषद निर्माण खंड की 10 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने जो भी कहा वो हमेशा से करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। तो सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लहरपुर तहसील क्षेत्र में सूरजकुंड मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें आवास विकास परिषद निर्माण खंड की 10 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना का लोकार्पण शामिल था। सिद्धार्थनगर में किसान यूनियन के लोगों ने तहसील परिसर का गेट बंद करके NH-28 जाम कर धरने पर बैठ गए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि जिले के बांसी तहसील परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर BKU अंबावत्ता के जिलाध्यक्ष मोहम्मद चौधरी की अगुवाई में 36 दिन तक धरना चला है। वहीं अधिकारियों के आश्वासन पर धरने को बंद कर दिया गया, लेकिन मामले का निस्तारण कराए बिना ग्राम पंचायत बड़हर घाट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर नाराज किसान यूनियन के लोगों ने बांसी तहसील परिसर का गेट बंद कर सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें जहां पर कुछ किसानों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो धरने पर बैठे हुए भी नजर आए।
तहसील प्रशासन बड़हरघाट के प्रधान को और क्षमा चाहेंगे पुलिस प्रशासन भी, मिल करके गुंडा बना करके जबरदस्ती विकास कार्य किसी के नंबर पे किसी के पट्टे पे करवा रहे हैं। डीएम साहब के कहने के बाद भी आश्वासन दे रहे हैं, सेक्रेटरी जो महिला है उसका पति जो है ठेकेदार है और 15 मजदूर लगे हैं, 2 वहाँ कारीगर हैं, जल्दी जल्दी से जो है उसको ईंट पूरा कर रहे हैं। सड़क जाम अभी तहसील प्रशासन के लोग गए हैं, अगर वहाँ काम बंद नहीं होगा तो सड़क ही नहीं जाम होगी, ये अनवरत धरना चलेगा और डेली सड़क जाम होगी। तो वो जो काम हो रहा है वो जी, तो आप एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देंगे तब भी तो काम रुक। एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया था, 37 दिन धरना चला था, तहसीलदार साहब ट्रेनिंग में गए थे, वो ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो निस्तारण हो जाएगा कार्य का।